हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर किक। माय नेम इज हर्षित शर्मा। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ GFTI रिव्यू प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में हम टॉप गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को रिव्यू कर रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे VIT मैसरा के बारे में। जब हम बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की, तो VIT मैसरा नंबर वन पर आता है। इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि VIT मैसरा में कौन कौन से कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसा रहता है, फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, प्लेसमेंट्स यहाँ की कैसी होती हैं और लास्टली VIT मैसरा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो यार बात करें कोर्सेज ऑफर्ड इन VIT मैसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो यहाँ प्रेजेंट ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग की एक स्पेशलाइजेशन भी है। जो हमारी केमिकल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच है वो प्रेजेंट है, बट यहाँ केमिकल इंजीनियरिंग की एक स्पेशलाइजेशन पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच यहाँ पर अवेलेबल है और एक नॉन कन्वेंशनल ब्रांच है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो भी VIT मैसरा में प्रेजेंट है। जैसा कि हमने टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की प्लेलिस्ट में देखा था कि काफ़ी सारे कॉलेज में CSE की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती हैं, इस कॉलेज में CSE की स्पेशलाइजेशन नहीं है, CSE एक सेपरेट ब्रांच है एंड दैट्स इट। अब यार बात करी जाए फीस स्ट्रक्चर की, तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फीस सही में काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख ही सकते हो। फर्स्ट सेमेस्टर की फीस ही 1,38,000 है और ये केवल फर्स्ट सेमेस्टर की है, ईयर की नहीं। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आपको एडमिशन के टाइम पे देने होते हैं 27,500 रुपीज़ और फिर ये आपकी पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पर टेबल में गिवन है। और ये टेबल का सोर्स क्या है, हमने ये VIT मैसरा की ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है, सो सोर्स क्रेडिबल है। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर इज अप्रॉक्स 13,05,000 रुपीज़, तो 13 से 14 लाख के बीच में आपकी VTech यहाँ पर कंप्लीट होती है एकेडमिकली। अगर आप हॉस्टल ऑप्ट करते हो तो उसके ऑब्वियसली अलग से चार्जेस लगते हैं। अब यार बात करी जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो VIT मैसरा में आप एडमिशन JOSA या फिर CSAP काउंसलिंग के थ्रू ही ले सकते हो, यहाँ पर कोई डायरेक्ट एडमिशन का मेथड नहीं है। आपको JEE मेंस एग्जाम देना है और उसकी रैंक के बेसिस पर JOSA या फिर CSAP काउंसलिंग के थ्रू ही आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं JEE मेंस की कितनी कट ऑफ रहती है VIT मैसरा में, तो आप अपनी स्क्रीन पर ब्रांच और ऑल इंडिया रैंक्स देख सकते हो, ये राउंड 2 की कट ऑफ्स हैं और ये जनरल कैटेगरी की हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए पिछले साल आपकी रैंक 18,000 के अंडर होनी चाहिए थी। अगर आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप देख सकते हैं CSE की जो कट ऑफ थी वो 18,800 है, ECE जो हमारी ब्रांच है उसकी कट ऑफ 32,000 है, EEE ब्रांच की कट ऑफ 45,000 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पर 65,000 रैंक पर फिनिश हो जाती है। अब बात करी जाए सिविल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो इनकी कट ऑफ्स भी यहाँ पर स्क्रीन पर गिवन है। 86,000 सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ है, केमिकल इंजीनियरिंग की है 91,000, बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी कम लोग प्रीफर करते हैं, बट VIT मैसरा जैसा कॉलेज मिल रहा हो तो लोग बाग बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच भी ले लेते हैं और 99,000 के अंडर बायोटेक्नोलॉजी भी फिनिश हो जाती है। सो इन रैंक्स के बेसिस पर आप इस साल की कट ऑफ्स का भी गैस कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए, आपको ब्रांच मैटर नहीं करती, सो ऑब्वियसली आपकी रैंक 90,000 से नीचे होनी चाहिए, और अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए सो आपकी रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में ही होनी चाहिए, तभी आपको कंप्यूटर साइंस, IT या फिर ECE जैसी ब्रांच यहाँ पर मिल सकती है। तो अब यार बात करी जाए प्लेसमेंट की, तो VIT मैसरा का पिछले साल का जो प्लेसमेंट रहा है हाईएस्ट पैकेज रहा है 58 LPA का, जो एवरेज पैकेज है वो रहा है अबाउट 13 LPA का और मीडियन पैकेज 9 LPA। यहाँ पर BTech CSE का एवरेज पैकेज अराउंड 20 लाख का रहता है। सो यार BTech CSE में काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं यहाँ। अब बात करी जाए रैंकिंग की, तो यहाँ पर NIRF ने VIT मैसरा को 53rd रैंकिंग दी है, जो कि थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है, बट 53 इज़ अ गुड नंबर। नाउ अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, VIT मैसरा इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में और इसका कैंपस एरिया है 780+ acres, जिसे काफ़ी लश ग्रीन तरीके से बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। अगर बात करी जाए VIT मैसरा के प्रोस की, तो यहाँ का एल्यूमिनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि काफ़ी पुराना कॉलेज है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। सो दैट वाज इट फॉर VIT मैसरा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे।
इसके अलावा भी हमने डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म अवेलेबल कराया है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए, हमारे एक्सपर्ट्स आपको खुद रीच आउट कर लेंगे आपकी क्वेरी लेने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।